राज्यात विधानसभेची रणधुमाळी सुरू झाली असून प्रत्येक राजकीय पार्टी पक्षबांधणीला लागली आहे. त्यामुळे प्रत्येक मतदारसंघात इनकमिंग आउटगोईंगचे वारेही वाहू लागले आहेत. त्यातच नालासोपारा 132 विधानसभा मतदारसंघात मात्र यंदाच्या आमदारकीसाठी उत्तर भारतीय मोर्चा पालघर जिल्हाध्यक्ष जेपी सिंग यांचे नाव चर्चेत आहे. तसंच जेपी सिंग यांनी भाजपमधून आपणच नालासोपारा विधानसभेचे प्रबळ दावेदार असल्याचा दावा पक्षाकडे केला आहे. तसेच पक्षश्रेष्ठी हरलेल्या खोड्यांवर व बाहेरून मागवलेल्या उमेदवाराबाबत पक्ष विचार करणार नाही अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. नालासोपारामध्ये विधानसभा मतदारसंघात असंख्य समस्या आहेत. शहरातील रस्त्यांची दुरावस्था झाली आहे, जागोजागी खड्डे पडलेत, यामुळे अपघातांचे प्रमाण वाढले आहे. तसेच या शहराला भ्रष्टाचाराचा विळखा पडलाय. असंख्य इमारती पालिका अधिकारी व सत्ताधाऱ्यांच्या संगनमताने उभ्या राहिल्या आहेत. त्यामुळेच शहरात मोठा भ्रष्टाचार फोफावत चालल्याची टीका जेपी सिंग यांनी केली आहे. मेरी जो भूमिका है, जो आपने प्रश्न किया कि यहाँ पर तमाम इच्छुक उम्मीदवार हैं और भाजपा में से एक उम्मीदवार मैं भी हूँ, और चूंकि मेरे पास जो दायित्व दिया पार्टी ने वो दायित्व उत्तर भारतीय मोर्चा का दायित्व दिया है, ठाणे पालघर विभाग. मेरे विभाग में 9 जिले आते हैं, 2 शासकीय जिले हैं और 7 राजनीतिक जिले हैं, ऐसे 9 जिले हैं. तो इन 9 जिलों का अध्यक्ष होने के नाते मैं, चूंकि मेरा निवास इसी 132 नालासोपारा विधानसभा क्षेत्र में है और मैं यहाँ पर उत्तर भारतीय मोर्चा की तरफ से उत्तर भारतीयों के लिए खास करके मुझे जिम्मेदारी दी है पार्टी ने, और नालासोपारा विधानसभा क्षेत्र जो है उत्तर भारतीय बाहुल्य है और संयोग से मैं इसी विधानसभा क्षेत्र में रहता हूँ. तो इस विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मेरी उम्मीदवारी प्रबल है, क्योंकि मुझे पार्टी ने वही काम दिया है उत्तर भारतीयों के बीच में संपर्क करने के लिए और उत्तर भारतीयों के काम को आगे बढ़ाने के लिए. और यहाँ पर इस क्षेत्र में चूंकि मैं शिक्षा क्षेत्र से जुड़ा हूँ, तो मेरे इसी विधानसभा क्षेत्र में 3 विद्यालय चल रहे हैं और 35 वर्षों से मैंने करीब हमारा नालासोपारा में जो विद्यालय है लोकमान्य हाईस्कूल, वहाँ से और विरार फुलपाड़ा से इन लाखों बच्चे निकल चुके हैं. अभी तक 35 सालों में लाखों विद्यार्थी निकल चुके हैं यहाँ से. वो विद्यार्थी आज वोटर हो गए हैं, उनके बच्चे वोटर हो गए हैं, उनके माता पिता हैं. तो और यहाँ पर नालासोपारा विधानसभा क्षेत्र से मैं 2 बार इलेक्शन लड़ चुका हूँ, कॉरपोरेशन का, नगर पालिका का. तो मेरा चेहरा कोई अननोन चेहरा नहीं है, अननोन फेस नहीं है. मैं अपनी प्रबल दावेदारी इसलिए मानता हूँ कि भाजपा में जो मुझे जवाबदारी दी गई है, जो जिम्मेदारी दी गई है, उसका मैं कार्य कर रहा हूँ, बड़ी अच्छी तरह से कार्य कर रहा हूँ. पार्टी ने जो कार्य सौंपे हैं, पार्टी की जो योजनाएं हैं, पार्टी ने जो अपने मास्टर प्रोग्राम जो दिए हैं हमको, उन योजनाओं को, उन कार्यक्रमों को मैं हर एक प्रत्येक कार्यक्रम को यहाँ पर कर रहा हूँ.